केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ और एनआरसी बिल को लेकर आज विधानसभा पर राज्य के मुस्लिम संगठनों ने बड़ी संख्या में जुलूस निकालकर विधानसभा पर दस्तक दी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संजय मिरे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसलिए हम मुस्लिम परिषद की ओर से आज ये तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर विधानसभा पे दस्तक देने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि सुबह से ही यहाँ पे लोगों का हुजूम उड़ चुका है, तांता लगा हुआ है, पार रखने की जगह नहीं है। कुछ हमारे साथ लोगों से बात, सर ये बताइए कि क्या सरकार को क्या बताने जा रहे हो? सरकार को ये बता रहे जो तुम्हारे गलत कानून से इस देश के अंदर जो फैलाया जा रहा है उसके वजह से बहुत ही आज देश के अंदर में जो जमात इस्लामी के ऊपर में जो स्टूडेंट के ऊपर में जो हमले हुए उसके कारण आज देश के अंदर में और ये जो केंद्र शासन ने जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तानाशाही के हिसाब से जो एक मुस्लिम वर्ग को दबाने के लिए जो बिल देश के अंदर में लेकर आया है और ये बिल हम लोग ये पूरे ये विधानसभा पे ये दस्तक देने के लिए जा रहे हैं कि ये बिल सरकार ने केंद्र शासन ने ये वापस लेना चाहिए और इस तरीके से जो देश के अंदर में अमन और सुकून को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी तानाशाही और जो अमित शाह ने जो देश के अंदर में एक तानाशाही का जो हुक्म चलाया है और हर एक बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ में जो देश के अंदर में एक वातावरण बिगाड़ने का काम करा, ये देश एक स्वतंत्र देश है, एक इसके लिए सब लोगों ने आजादी में हिस्सा लिया है और इस देश के अंदर में अमन और सुकून को ये केंद्र सरकार ने अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म करने का जो काम किया है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है और बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाला संविधान है इस देश के अंदर में। जिस तरीके से देश के अंदर में हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने जिस तरीके से देश की स्वतंत्र आजादी के लिए हिस्सा लिया था, आज वो इस देश के अंदर में कौम के ऊपर में जिस तरीके से हालात को बिगाड़ने जा रहे हैं इसके लिए पूरा मुस्लिम समाज, दलित समाज और सारे सिख समाज और जितने भी हमारे अल्पसंख्यक के समाज के लोग हैं ये इस चीज को दस्तक देना चाहते हैं कि ये जो केंद्र सरकार ने जो ये बिल लिया है ये वापस होना चाहिए और इसके बाद में भी इस तरीके से हर तरीके से इस पूरे देश के अंदर में जिस तरीके से वातावरण खराब हुआ है तो ये केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से खराब हुआ है, क्योंकि देश का अमन और सुकून इन लोगों ने छीन लिया है। इतना कहते हुए मैं अपने दो शब्द, क्या नाम आपका? मेरा नाम ताजे मद राजा है। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया हम आपको थोड़ा बता दें, थोड़ा पैन कीजिए, हम आपको दिखा सकते हैं कि ये हजारों की तादाद में, लाखों की संख्या में हम कह सकते हैं ये लोग विधानसभा पे दस्तक देने के लिए पहुंच चुके हैं। अल्लाह हू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस प्रकार से इस बिल को पास करने की कवायद की है वो ताना सही है और नहीं चलेगी, ऐसे लोगों का कहना है। मुस्लिमों के खिलाफ यह की गई यह साजिश है, यह साजिश कतई हम लोग सहन नहीं करेंगे, इस तरह की बात ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिरकार सरकार को आपकी बातें मनवाने के लिए ये तमाम लोग पूरे भारतवर्ष से हजारों की तादाद में विधानसभा के ऊपर में दस्तक देने के लिए निकल चुके हैं। और भी हम आपको पल पल की जानकारी बीसीएन के तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस समय में इनबीसीएन की टीम सेंट्रल रोड पर खड़ी है, हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। किसी की आवाज नहीं आ रही है, लोग नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, हम भी आपको पल पल की जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं कि जिले की हमारी नजर जा रही है, लोग बड़े पैमाने पे हैं, लोग नारे लगाते हुए रहे को हम बता दें कि हजारों की तादाद में यहाँ पे जुलूस निकल चुका है, लोगों का आना लगातार बाकी है। आप बताइए सर, आखिरकार कहाँ जा रहे हैं जुलूस को लेके, क्या कहना चाहोगे सरकार से? ये विधान भवन जा रहा है, जो एनआरसी कानून जो गवर्नमेंट ने लागू करी है ये रिजेक्ट हो इसलिए ये जुलूस निकाला गया है। सरकार मांगों को आपकी पूरा नहीं करेगी तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? वो ये लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है, फिर तो कुछ भी हो सकता है।
एनआरसीसी ये जो बिल लाया है इसको पूरी तरह से रद्द बदल किया जा रहा है। लोग यहाँ पे बड़े सेंट्रल यूनियन रोड पे हम लोग खड़े हैं। आपको बता दें कि अब तक के विधान भवन के ऊपर, विधानसभा के ऊपर में निकलने जाने वाला ये पहला ही ऐसा जुलूस है जो बड़ी संख्या में। अब तो मैं ये कह सकता हूँ अब तक के 70-80 हजार का अनुमान यहाँ पे बताया जा रहा था, लेकिन जब हमने अपने आंखों से देखा तो लाखों की संख्या में यहाँ पे मुस्लिम परिषद जमात इस्लामी के ये तमाम आंदोलनकारी अब लाखों की संख्या में विधानसभा के ऊपर में दस्तक देने पहुंच रहे हैं। आप मेरी बाई ओर देख सकते हैं सेंट्रल एवेन्यू गांधी पुतले से उधर जो शुरू हुआ जुलूस अभी भी लगातार आना जारी है। थोड़ा आप पीछे पैन करके बताइए, अब हम आपको पोदार से राम मंदिर का वो नजारा दिखाने जा रहे हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं। पांव रखने के लिए जगह नहीं है, पुलिस के लिए भी एक ये कड़ी मशक्कत होगी। अब देखना होगा कि पुलिस आखिरकार इन्हें कैसा कंट्रोल करती है, क्योंकि जुलूस में आने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन के जो पुलिस लोग हैं वे बहुत ही कम है। ऐसे में नागपुर के पुलिस को भी ये बात तो मानना होगा, नागपुर पुलिस की भले ही वे कम संख्या में है, लेकिन इस तरह के जब भी कोई ऐसे मोर्चे बड़े जुलूस विधानसभा के ऊपर में निकलते हैं तो उन्हें हैंडल करना भी उन्हें बखूबी के साथ आता है। मगर अब की बार ये जो जुलूस है अपने आप में बहुत बड़ा जुलूस है। आप देख सकते लोगों का लगातार आना चाहिए, लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पे जिधर हमारी नजर दौड़ रही है उधर ही उधर सब तरफ पूरे आंदोलनकारी दिखाई दे रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और जिस तरह से नागरिकत्व को लेकर जो एक बिल जो पास करने की जो बात कही गई नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा, उनके बात को सस्पेंड करते हुए, उनके बात को खारिज करते हुए ये जो मुद्दा है ये साइड में रखे, अगर इसको कामकाज में लाया जाता है या ये मुद्दा अगर लागू होता है तो हो सकता है मुस्लिम लोगों का काफी नुकसान भी हो सकता है। आरक्षण को लेकर भी इन लोगों ने बार बार अपनी मांग सरकार की ओर रखा है, मगर सरकार है कि जिनके कानों तक अब तक ये बात भी नहीं गई है। अगर बात उनके कानों तक, उनके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का है तो इसी माध्यम से पहुंचाया जाएगा। ये बात जब इनके जहन में आई तो इस प्रकार का लाखों का मोर्चा आज विधानसभा के ऊपर में दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। देखना यह होगा क्या आने वाले दिनों में इस बिल को लेकर क्या कोई परिवर्तन होता है भी या नहीं। लोग आखिरकार अपने बातों पे अड़िंग है, इस बिल को खारिज करे, इन्हें आरक्षण दे, यही मांग शहर के पूरे भारतवर्ष के मुस्लिम लोग आज यहाँ पे दे रहे हैं। इस देश में देश को आजादी देने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध और तमाम धर्म के लोग जुट चुके थे, आए थे, जिन्होंने अपनी देश के स्वतंत्रता के लिए शहादत दी थी। हर किसी को आरक्षण मिल चुका है, मगर अफसोस कि आज भी मुस्लिम लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया, आरक्षण देना चाहिए, यही ये लोग बात कर रहे हैं। और इसी ओर सरकार का ध्यान अपनी ओर लाने के लिए ये लोग आज लाखों की संख्या में यहाँ से जुलूस निकल रहा है और विधानसभा पे दस्तक दे रहा है। और भी दर्शकों हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। तो देखा आपने कि सेंट्रल एवेन्यू रोड से शुरू हुआ ये जो बहुत बड़ा जुलूस है ये आपको विधान भवन तक के दिखाई दे रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ पे सभी आंदोलनकारी आए हुए हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ इन्होंने अपना रोष भी व्याप्त किया है और विधानसभा के ऊपर में दस्तक देने के लिए आज इस जुलूस में तकरीबन 1 लाख से भी ऊपर के लोग आज यहाँ पे मौजूद थे और इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद सुरक्षा किए हुए नजर आए। जो जुलूस था वो शांत तरीके से अमन शांति का पैगाम लेते हुए आगे बढ़ रहा था। हमने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी बात भी हमें बताई और सरकार की नीतियों के खिलाफ
यह जुलूस निकाला जा रहा है, हमें न्याय चाहिए, यही मांग आज जमात इस्लामिक और मुस्लिम परिषद के ये तमाम लोगों द्वारा की जा रही है। अब देखना यह होगा क्या आने वाले दिनों में क्या इन लोगों को न्याय मिलता है भी या नहीं, आरक्षण इन्हें मिलता है भी या नहीं, नागरिकता को लेके क्या सीआर को लेके इनकी जो बातें हैं, इनकी जो मांगे मंजूर होती है या नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। और इस ओर सिर्फ नागपुर नहीं, विदर्भ नहीं, महाराष्ट्र नहीं, तो पूरे भारतवर्ष का इस जुलूस और आंदोलनकारी और इनके मांगों को लेकर ध्यान लगा हुआ है। नागपुर के सेंट्रल अमीर रोड से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।